पिछले वीडियो में माँ शैलपुत्री की कहानी सुनी। आज की कहानी है ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में दूसरे दिन का स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इसलिए तप का आचरण करने वाली देवी कहलाई ब्रह्मचारिणी। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय, भव्य और प्रकाशवान है। देवी के दाहिने हाथ में जपकी माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। दूसरे दिन इसी रूप में देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इनके जन्म के संदर्भ में कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वत राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब महर्षि नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल मूल ग्रहण किए थे, 100 वर्ष तक केवल शाक खाकर जीवन निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठोर उपवास रखते हुए खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप को सहन किया था। 3000 वर्ष तक केवल धरती पर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर महादेव जी की उपासना की थी। इसके पश्चात उन्होंने बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक केवल निर्जल निराहार तपस्या करती रही। जब उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि मुनियों ने देवी की अभूतपूर्व तपस्या को बहुत ही पुण्यकार बताया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, इतनी कठोर तपस्या केवल तुम्हारे द्वारा ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर तुम्हें पति रूप में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अब तुम अपना कठोर प्रण त्याग कर घर को जाओ। ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना से मनुष्यों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होता है। उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी माँ की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन करते हैं जिनका विवाह तो तय हो गया है परंतु अभी विवाह नहीं हुआ है। उन्हें अपने घर पर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है। उसके पश्चात भोजन कराकर